देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत के पूर्व युवा प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन की अध्यक्षता में राजीव कॉलोनी में मनाई गई। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने कहा कि भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आधुनिक सोच के प्रणेता और कंप्यूटर क्रांति के जनक थे, जिनका सपना देश के प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाल करने के साथ साथ देश को तकनीकी और कंप्यूटर तकनीक के तौर पर आत्मनिर्भर बनाना था। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने यह उद्गार आज यहां राजीव कॉलोनी में भारत रत्न राजीव गांधी की 78वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मनाए जा रहे सद्भावना दिवस के अवसर पर व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व पार्षद दलबीर वाल्मीकि और पार्षद पंकज ने किया। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत राजीव गांधी के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी महान विभूतियां देश में लंबे अंतराल के बाद पैदा होती हैं, जिन्होंने देश के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने कहा कि राजीव गांधी 40 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता ने ही उन्हें एक युग दृष्टा प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के प्रेरणापुंज और सूचना प्रौद्योगिकी के जनक राजीव गांधी के जन्मदिन पर विशेषकर युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। पंचकुला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।